दोस्तों हम सभी जानते हैं कि केपॉप में डेटिंग करना किसी भी आइडल के लिए कितनी बड़ी दिक्कत सामने ला सकता है, और ऐसा ही हुआ था हमारे एक्सो के मेंबर चेन के साथ। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्यों हमारे चेन ने एक्सो को नहीं छोड़ा, इसके साथ साथ कैसे उनके मेंबर्स ने या फिर कंपनी ने इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दोस्तों 2020 में चेन ने रिवील करा था कि वो एक लड़की को डेट कर रहे हैं जो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट भी है और वो उससे शादी करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों एक्सो एल्स के लिए ये बहुत ही खास न्यूज़ थी, क्योंकि अचानक से चेन ने ये बातें रिवील करी और किसी को भी उनकी डेटिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था, और फैंस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी हो गए थे। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों का ये सोचना था कि या तो फिर चेन एक्सो को छोड़ देंगे या फिर उनकी कंपनी ही उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल देगी। लेकिन दोस्तों दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना ही एक्सो ने ग्रुप को छोड़ा ना ही उनकी कंपनी ने उन्हें बाहर निकाला, बल्कि उनकी कंपनी ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी जहां पर उन्होंने बताया कि कंपनी चेन के इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और वो ये अनाउंस करती है कि चेन उस लड़की से शादी करने वाले हैं। दोस्तों यहां तक कि उस लड़की के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रिवील नहीं करी गई थी। और दोस्तों आज की डेट में तो चेन ने अनाउंस किया है कि उनका एक और बच्चा भी होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये आता है कि क्यों उनकी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर क्यों चेन ने केपॉप को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एक्सो के जो भी मेंबर थे वो जब एक्सो में डेब्यू करने वाले थे तो उन्होंने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक्सो ने 2012 में डेब्यू किया था। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आपने किसी केपॉप कंपनी के साथ डेब्यू किया है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आप उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आपको कंपनी को काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं जो भी उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट करे होते हैं। और दोस्तों क्योंकि चेन ने ये न्यूज़ 2020 में सुनाई थी तो इस हिसाब से एक्सो का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 में एक्सपायर होगा। तो दोस्तों यानी इस साल एक्सो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए चेन ने उस समय ग्रुप को नहीं छोड़ा था। इसके साथ साथ काफ़ी सारे फैंस ऐसे भी थे जिन्होंने चेन के इस डिसीजन को सपोर्ट किया और उनका मानना था कि शादी कर लेना या फिर अगर किसी के बच्चे हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रुप में एक आइडल की तरह नहीं रह सकते। दोस्तों इसके साथ साथ एक्सो के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी चेन को काफ़ी सपोर्ट करा था और उन्होंने बोला था कि वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि चेन अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका इस पर क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।